यज्ञ में जो करेंगे उसका फल तो थोड़ा ही होगा, और नित्य घर में जो करेंगे उसका फल बहुत अधिक होगा। भैया खूब करिए, घर में हवन करने से तो बहुत फल मिलता है, ज्यादा फल मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, क्योंकि हम यज्ञ तो हम कभी कभी करते हैं, लेकिन घर में जो नित्य यज्ञ हो रहा है, नित्य अग्नि का पूजन हो रहा है, गृहस्थ व्यक्ति को नित्य अग्नि का पूजन करना चाहिए। सागनिक कहलाता है गृहस्थ, सागनिक का मतलब है जो अग्नि की उपासना करे। अग्नि की उपासना तो नित्य सभी को करनी चाहिए, और यदि आप कर रहे हैं तो आप धन्यवाद के पात्र हैं, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि किसी अशुद्ध पदार्थ से हवन मत कर दीजिए। अशुद्ध पदार्थ नहीं समझे होंगे, देसी गाय के घी से हवन करिए, आपको बहुत विशिष्ट लाभ मिलेगा। ये जो पूजा का घी के नाम से एक बहुत ही अखाद्य और बड़ा ही दुर्गंध युक्त एक पदार्थ आता है, लोग उससे हवन करते हैं, उस पर लिखा होता है दीप द्रव्य, दुकानदार कहता है ये पूजा का घी है ये ले जाओ। शर्मा जी वो 100 रुपये 125 रुपये किलो मिलता है, आप बतलाइए आज के समय में 100 125 रुपये किलो घी उपलब्ध होगा? वो पशुओं की चर्बी से बनाए, ऐसे घी से हवन मत कर देना, नहीं तो घर में और उल्टा होने लग जाएगा, उपद्रव शुरू हो जाएंगे, भूत प्रेत आ जाएंगे, हम सोचेंगे हमारा भोजन बढ़ रहा है इधर। तो हवन की जो सामग्री आप उपयोग करें वो भी बहुत शुद्ध हो। बाजार की बनी रेडीमेड हवन सामग्री से कभी ना घर में हवन करिए, ना किसी अनुष्ठान में हवन करिए, ना 1% भी उसका उपयोग अपनी पूजन सामग्री में करिए, चाहे वो किसी परिवार की हो चाहे कहीं की बनी हो। बाजार से बनी हुई हवन सामग्री को बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है, आप अपने घर में बनाइए। तिलार्धम तंडुलम, तंडुलार्धम यवम, सबसे अधिक मात्रा में तिल होना चाहिए। तिल भी काले तिल ना मिले तो बिल्कुल चिंता मत करिए, सफेद लीजिए, क्योंकि काले तिल प्रायः पूजा में ही प्रयोग होते हैं, इसलिए देखा जाता है कि काली तिल जो है या तो नकली काली कर दी जाती है, सफेद कोई काली करके बेचा जा रहा है बाजारों में, उसमें कलर मिला है, अथवा ऐसी भी मशीनें सोडानी जी चल गई हैं कि उस तिल का तेल निकाल लिया जाता है, तिल खड़ी रहती है। अब वो हल्की हो गई तो उसमें डस्ट मिला दी तो उसका वजन बढ़ गया। तो ऐसी बेकार सामग्री से हवन नहीं करना है। सफेद तिल लाइए, शुद्ध तिल लाइए। सफेद तिल के हवन का बहुत अच्छा विधान है, भगवान राम कृष्ण नारायण के लिए तो सफेद तिल का ही विधान है, अन्य देवताओं के लिए भी नकली से अच्छा असली सफेद ही हो जाए, काली नकली मिले उससे अच्छा है सफेद असली ले लीजिए। तिल को लाकर घर में धोइए, सुखाइए, उसमें कूड़ा करकट कीड़ा कुछ ना रहे। तो तिली के आधे चावल, 1 किलो तिल है तो आधा किलो चावल उसमें मिलाइए धोकर के, वो भी धोकर के, ऐसे नहीं, चावल से आधी शक्कर मिलाइए, चावल के आधे जौ मिलाइए, जौ के आधी शक्कर मिलाइए, फिर घी इतना मिलाइए जिससे कि वो बहुत अधिक चिपके ना हाथ में। और फिर सुगंध के लिए उसमें थोड़ा अगर तगर है, कमल घटा है, जावित्री है, जायफल है, ये सब थोड़ा थोड़ा सामग्री आप डाल सकते हैं, लेकिन बाजार की बनी हुई सामग्री बिल्कुल भी प्रयोग मत करना। वो जड़ी बूटी के नाम पर आपको कचरा बेच रहे हैं, जंगली घास फूस, और उससे हवन करेंगे तो भैया कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए घर में सामग्री बनाइए, शुद्ध सामग्री बनाइए, और सब लोग नित्य हवन करिए, भगवान आपका खूब कल्याण करें।